ऐसा कुछ किया गया कि यह क्षेत्र कटा गया। उस कटे हुए क्षेत्र में अंग्रेजों ने सुनियोजित ढंग से धीरे धीरे करके ईसाई मिशनरियों को भेजना आरंभ किया। यह बात 1830-35 के आसपास है, जो मैंने पुस्तक में विस्तार से बताया है कि चेरापूंजी और अन्य जो क्षेत्र हैं मेघालय के, उन क्षेत्रों में इस समय 1830 के दशक में जो ईसाई मिशनरी है पहुंच जाते हैं। ये भी सोचने वाली बात है कि इतनी दुर्गम जगह लेकिन ईसाई मिशनरी पहुंच जाते हैं, और धीरे धीरे वो अपना पहले तो अपने पैर जमाते हैं और फिर अपने पैर फैलाते हैं। और मेघालय के बाद से धीरे धीरे करके अन्य राज्यों में वो फैलने लग जाते हैं। फैलते फैलते स्थिति ऐसी हो जाती है कि आज मिजोरम, नागालैंड, ये दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 80-85% से अधिक जनसंख्या है वह ईसाई हो चुकी है। इसके बाद मेघालय उसके निकट है, क्योंकि जो 2011 की जनगणना के आधार पर जो हमें जानकारी है वो 74% से अधिक लोग वहाँ पे ईसाई हो चुके हैं। अगली जो इनकी कुदृष्टि है वह मणिपुर और अरुणाचल पर है, जहाँ अभी तक यदि शासन या समाज प्रयास करे तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं, अन्यथा ये दोनों राज्य भी मिजोरम और नागालैंड के पदचिन्हों पर चलेंगे।